बिहार के सीएम नीतीश कुमार खुद ही कानून बनाते हैं और खुद ही कानून के खिलाफ जाकर के काम करते हैं। पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लाइव बिहार देख रहे हैं और मेरा नाम कमलेश है। देखिए, पूरा मामला मदरसा बोर्ड को लेकर के है और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को लेकर के। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से बनाया है और उसको लेकर के एक कानून भी बनाया था कि मदरसा बोर्ड बनने के लिए आपको कम से कम पीजी करना होगा, साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने को लेकर के। लेकिन मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के पास तो सिर्फ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है और 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। आखिर सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें मदरसा बोर्ड का चेयरमैन कैसे बना दिया? अब यह मामला कोर्ट में चला गया है और जिसको जो है हाईकोर्ट के जज खुद ही देख रहे हैं कि आखिर इस तरह से कैसे किया गया है। सीएम नीतीश कुमार आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर तलवार लटकता हुआ नज़र आ रहा है और 30 दिसंबर को सुनवाई है। बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे कि नहीं, सलीम परवेज हैं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और सीएम नीतीश कुमार अकलियत की बात करते हैं, कहते हैं अकलियत के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को ऐसे कैसे बना दिया? खुद ही नियम बनाया और खुद ही तोड़ दिया। आखिर क्या वजह रही? क्या सीएम नीतीश कुमार के ज़्यादा करीबी हो गए इस वजह से तो भी वो नियम को तोड़ करके और उन्हें सलीम परवेज को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन तो नहीं बना दिया गया? देखिए, सीएम नीतीश कुमार के द्वारा ही यह लेटर जो है जारी किया गया था कि आखिर अध्यक्ष सचिव बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। हम वो पूरा दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये लेटर में लिखा हुआ है चेयरमैन बनने के लिए क्या करना होगा। अब इस मामले को लेकर के जो है हाईकोर्ट जा चुका है और अब इस तमाम मामले को हाईकोर्ट के जज हैं संदीप, वो देख रहे हैं और अगली सुनवाई 30 दिसंबर को होनी है। ऐसे में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे या नहीं, यह संशय का विषय है, क्योंकि जो उनके पास एक्सपीरियंस है वो नहीं है, साथ में पीजी का कोर्स नहीं है और सीएम नीतीश कुमार मुसलमानों अल्पसंख्यक की बात करते हैं और कहते हैं कि मदरसा बोर्ड के साथ साथ मदरसा को भी हम लोग आधुनिकीकरण कर रहे हैं, यानी जिस तरह से अब जो है पढ़ाई को लेकर के वो जो है आधुनिकीकरण किया जा रहा है। लेकिन यह किस तरह से आधुनिकीकरण है, कैसा आधुनिकीकरण है, जब मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को ही जो है वहाँ पे जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो उस तरह के चेयरमैन को बना दिया गया है, जिनके पास कोर्स नहीं है उसको कैसे बना दिया गया है? जिसके लिए सीएम नीतीश कुमार कहते रहे कि हम अल्पसंख्यक के लिए काम कर रहे हैं, यह कैसा काम आ गया है जो इस तरह की काम वो कर दिए और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को बना दिए? अब यह मामला कोर्ट में चला गया है और कोर्ट में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर तलवार भी लटक गया। हम वो भी जो है लेटर दिखाएंगे जो हाई कोर्ट के जज के द्वारा जो सुनवाई होनी है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, तमाम चीज़ आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे चल रही होगी। अब यह तलवार लटक चुका है और देखना दिलचस्प रहता है कि आखिर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहते हैं या नहीं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।